करनाल के गांव बड़ौता में नहर में डूबने से बड़ौता निवासी नरेश की मौत हो गई है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि नरेश वहां हर रोजाना अपनी भैंस को नहलाने के लिए आता था। आज अचानक उसकी भैंस नहर में गिर गई, जिसको बचाने के प्रयास में वह भी डूब गया और उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि गत दिवस भी यहां पर दो स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। ग्रामीण शोक के माहौल में डूबे हुए हैं। गांव में अचानक हुई तीन मौतों से ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की ओर से यहां पर पशुओं के पानी पीने के लिए कोई भी घाट नहीं बनाया गया है, जिसे यहां पर अनहोनी होने की घटना घट जाती है, जिसके चलते रविवार को यहां पर दो स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई और आज नरेश नामक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने जिला प्रशासन से यहां पर घाट बनाने की मांग की। मौके पर संबंधित पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया और लोगों से पूछताछ कर आवश्यक कार्यवाही की। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि सूचना मिली थी कि बड़ौता नहर में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया गया और ग्रामीणों द्वारा पुलिस के पहुंचने से पहले मृतक नरेश को निकाल लिया गया। बड़ौदा गांव में हुई इस दर्दनाक घटना से आसपास के ग्रामीण लोगों में भारी रोष व्याप्त है। ये नहर कम से कम मेरे ख्याल में लगभग एक महीने से पानी से छोड़ा गया है और एक महीने में दो दिन में हमारी तीन जवानों की मौतें हो गई, बेकारण मारे गए। यदि घाट होता, कोई सरिया पकड़ने की सुविधा होती है, ये जान बच सकती थी। तो कोई भी प्रपोजल होती है, सारे प्रदेश में जहाँ भी नहरें हैं, पक्की हैं, कच्ची हैं, घाट हर जगह है, इस गांव में घाट नहीं है तो एक सोचने का विषय है। सरकार को इसके बात ध्यान देना चाहिए। घाट प्रपोजल में थार बना क्यों नहीं? ग्रामीणों में रोष है इस बारे में। ग्रामीणों में रोष है, सारा काम तो चैलेंज करते हैं। एक महीने के अंदर सरकार हमें ये प्रपोजल दिखाए, एस्टिमेट दिखाए। यदि एक महीने के अंदर हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो हम तो घाट तक कैसे बनाएंगे, नहर तोड़ लेंगे। आप हमारी तो ग्रामीण एक बोल। हाँ जी, कैसा रोष है ग्रामीणों में? बिल्कुल आक्रोश है जी, पूरे पूरे गांव में। क्या मांग करते हैं? बस ये घाट लगाए जाओ और इसमें पैड़ी होनी चाहिए। हर 100 मीटर पर पैड़ी होनी चाहिए, ठीक है? या बेल लगाई जाओ, या पैड़ी लगाई जाओ, या सीढ़ी लगाई जाओ जी। इसमें मांग है, कोई भी कितना तिराक आदमी भी गिर गया वो निकल नहीं सकेगा जिसमें से, क्योंकि हमने कल वो बच्चा जब ढूंढा, मैंने 10 बार कोशिश करी, ऊपर चढ़ने की नहीं चढ़ सका। और वो जो बच्चा डूबे उसने 1 लाख कोशिश के बावजूद भी वो नहीं चढ़ पाया, क्योंकि इसमें कोई घाट कोई कुछ था ही नहीं, इसलिए नहीं चढ़ पाया, इसलिए वो बच नहीं पाया और इसलिए ये नहीं बच पाया। 100 आदमी ने मैच निकाली, 100 आदमी ये भी नहीं बच पाया। ये खुद तो गए अपने मैच ने बचाने के लिए, मगर ये बच नहीं पाया, ये नहीं बच पाया, ये ऊपर चढ़ा नहीं गया इस पर, तो ये भी डूब गया, ये डूब गया। कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है इनका? नरेश कुमार रहने वाला है। नरेश कुमार सनोफिंदर सिंह। क्या घटना घटी सर आज जो आप? ऐसा सूचना मिली थी कि गोगड़ीपुर नहर में एक लड़का डूब गया है, जो हम सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हैं। जो यहाँ के पता चला है कि एक भैंस इसमें चली गई थी नदी में, और उसको निकालने के लिए वो लड़का भी नदी में आ गया, जो उसको निकालते वक्त वो उस नदी में डूब गया। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई अभी कंप्लेंट लेंगे इनसे और इसकी अपना नियमानुसार कार्रवाई की जाए।